TV31 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। भाई थोड़ा दस हम पैरों पे टाके देखो। हां हां ये हिस्सा पूरा नीचे का हिस्सा डैमेज हो गया था। नीचे का ये डैमेज हो गया रात में आए तो सुचैन से ये देखें। हां बिल्डिंग के पास ये लोग ऊपर गाड़ी के पीछे पहिए में के लगे ने उनका हादसे से मिलते का हुआ। इस पार्ट पे तो जख्मी हुए उसका दवाखाने उस्माइना में शरीक के इलाज के लिए थोड़ा सीरियस कंडीशन हुआ तो यशोदा हॉस्पिटल को मुंतकिल करे। पुलिस कमिश्नर की तरफ से DCP की तरफ से ये कहा गया कि बच्चे पे जितना खर्चा होता पुलिस डिपार्टमेंट करेंगी इसका ट्रीटमेंट पूरा बल्कि रात को मैं भी उस्माइना पर था। दो केसेस थे जिसमें ये एक बच्चा था और एक शक्ति बोल के मैं चारमिनार रेलवे पर था वो दोनों को यशोदा में शिफ्ट करे और पुलिस वहाँ पर 1,00,000 रुपये डिपॉजिट भी करा है उसके लिए भी करे अलहदा फिर कोशिश की डॉक्टर बच्चे की जान नहीं बच सकी और रात में 2-3 बजे कुछ इंतकाल हो गया उसके बाद में हमारे चल मिला के बॉडी डिपॉजिट करा जैसे भी चार में रात को बच्चे के साथ थे यहाँ दवाखाने में मेडिसिन मिले वो देर तक उन्होंने एम्बुलेंस मंगा के करके यशोदा पर शिफ्ट करा फिर अभी 6 बजे पहले यहीं थे पोस्टमार्टम की जगह पर मेरे से फ़ोन पर बात हुई अब पोस्टमार्टम करके बॉडी को उनके विरसा के हवाले करे ये हादसे में उनको अफसोस है उनके जितने भी खानदान के लोग हैं हम उनसे ताज़ियत करते हैं और हुकूमत के रूल्स के तरीके के मुताबिक जो भी अजगर एशिया बच्चे के हिस्से में आता है पूरी मजलिस मुस्लिमीन कोशिश करके उनको अजगर एशिया दिलाएंगे और हर तरीके से बच्चे के फैमिली को मदद करेंगे इंशाल्लाह और भी कुछ भी तरीके हैं तो हम उससे भी इस्तेफादा करके लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इतला मिलती है एरिया कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना रात को भी पुलिस स्टेशन को गए थे बात करें फिर अब यहाँ पर आकर पोस्टमार्टम अपनी निगरानी में कराए हम मेरा नाम लम्बे बराबर की शरीर से आधे से पे अफसोस है। CC कैमरों के जरिए उसका मुशाहिदा किया गया बच्चे की बॉडी बताई गई बच्चा कैसा पहिए के नीचे आया क्या है वो पता नहीं लेकिन बॉडी पिछले पहिए के नीचे जो सो बॉडी थी CC कैमरों में मदीना बिल्डिंग के पास की ACP साहब बताए बहरहाल जो भी कार्रवाई हम करके इसके लिए पूरी गरीब खानदान को मदद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे एरिया का जो अमान नगर डी का जो बच्चा है मोहम्मद अकरम जो बच्चा जो है तो बहुत माशी हालत से गरीब है इनके वालिद साहब भी नहीं है और रात में जो है बच्चा कुछ बाजा बजाने के लिए आया था पिछले टायर में जो है बच्चे का एक्सीडेंट हो गया रात में ही डेथ हो गई थी 3:10 को। मेरे को जैसा इतला मिली मैं भी आई थी और मेरे से पहले समझे अहमद पाशा कादरी साहब भी आके गए हैं मेरे MLA साहब भी और मैं भी जैसा नकल पे मिला बारिश हादसे साहब को इतला करी उन्होंने भी मेरे को बोले कि तुम फौरी जाइए डेड बॉडी और लोगों की दिलाइए। इंशाल्लाह मैं पुलिस वालों से भी बात करी हूँ लोगों से भी जो है सो फोटोज देखी हूँ वो फोटोज में जो है सो पिछले टायर में बच्चा आ गया है वो एक मालूम नहीं कैसा आया वो लेकिन पिछले टायर में आ गया उन्होंने भी बोला मेरी गलती नहीं है बोला ड्राइवर भी मिल गया वो गाड़ी भी मिल गई इंशाल्लाह ताला। पुलिस वाले भी बोले हैं हमारी मदद करते बोल के इनकी वालदा की भी तबीयत अच्छी नहीं है कल ही डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से और इनके वालिद साहब का इंतकाल होकर एक साल हुआ अपने जैसे हमको भी तेला जैसा मिली हम भी आए फौरी पुलिस वाले भी हरकत में आए अभी डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग डेड बॉडी लेके घर जाएंगे हमसे जो मदद हो सकती है इंशाल्लाह पुलिस वाले भी बोले करेंगे बोल के जबान दिए है हम लोग भी जो मदद हो सकती करेंगे इनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को बोले इनके मैं बोली हूँ कि 5,00,000 रुपये दी बोल के बोली हूँ अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं वो लोग क्या बोल के वो लोगों से मालूम होने का है पुलिस जो भी बोलेंगी अब हमारी गलती बता रहे हैं कि हमारा बच्चा जो पिछले टायर में आने से अगर सामने के टायर में आता तो पुलिस ड्राइवर की गलती बता देते अब ये बच्चा पिछले टायर में आने से हमको जो है सो कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा तो अब वो लोग भी बोले हैं इंशाल्लाह करते बोल के बोले करेंगे इंशाल्लाह जो हो सकता हमारे से बराबर मदद करेंगे। अहमद पाशा खाली साहब भी बोले हैं कि मैं रात में भी गया था पुलिस वालों से बात करा वो लोग को बोला है लोगों के माशी तौर पे लोग बहुत गरीब लोग हैं अमान नगर भी सलमान मस्जिद कने रहते हैं बोले इंशाल्लाह जो भी हो सकता हमारे से करेंगे।
वक्त इंतकाल हो गया। अब कोई बोले पीछे पहिए में आए, कोई बोले सामने पहिए में। हमको तो इतना मिलती होने के इंतकाल होने के बाद इतना मिली हमको। हम जो है सो हमारे एरिया के नसरीन सुल्ताना से तल्ला करे, उन्होंने आके बस शाम से हमारे साथ है। बस यही गुजारिश है पाशा कादरी से, MLA साहब से, असद अवैसी से, बच्चे के माँ को कोई सहारा नहीं है, बस वही बच्चा सहारा था। आप क्या होना बच्चे? मैं बच्चे की मामी हूँ। अच्छा। आप लोगों से, पार्टी के लोगों से गुजारिश है, जो हो सकता है उनकी मम्मी की बस हेल्प करे तो अच्छा। उनके मम्मी भी थायराइड के मरीज है, कल ही दवाखाने से असरा से डिस्चार्ज करके लाए। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा उनकी हेल्प करे तो अच्छा, मदद करेंगे तो मदद करेंगे।